श्री राम भाई, दर्शन हो गए, मम्मी को भी दर्शन करा दिए और क्या ही नजारा था। फ्यूज मार मार, चालू स्टार्ट स्टार्ट, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फरकौत 22 पर। आज हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से अयोध्या। इससे पहले हम लोग 22 जनवरी पर जा चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर, लेकिन आज फिर पूरा फरुखाबाद हमारे साथ भी जा रहा है। तो कैसे जाएंगे ये सब चीज़ें आपको अपडेट मिलते रहेंगे और अयोध्या में दर्शन भी कराएंगे, तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक। जय श्री राम। दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं कमालगंज के पास में और अभी पूरी यात्रा रुक चुकी है, इसके बाद बसें इकट्ठी की जाएंगी। तो अब यात्रा हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे हाईवे पर। पर इससे पहले एक नारा है, जय श्री राम, जय सियाराम। बढ़िया लग रहा ना, लड्डू मिला क्या? अच्छा रहा, बता रहे पहले कहाँ गए। जय श्री राम, लगा लो यार, लगा दो लगा दो लगा दो। फ्यूज मार मार, चालू स्टार्ट स्टार्ट, जय श्री राम। अब काट ले दो हटो। लोग रुकने वाले हैं इस टेंट सिटी के अंदर और ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर कि अब व्यवस्थाएं की गई हैं रुकने की। अंदर चल के दिखाते हैं कैसी क्या है। तो अब भाई जरूरत पड़ी है इस कार्ड की, सुबह से तो ना पड़ी है सारी चीजें। फाइनली एंटर हुए, देखो भाई कितनी बड़ी पांडाल लगी हुई है। विशाल भाई लौट जाओ, बहुत थक चुके हैं भाई साहब। और ये देख के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बस अब तो लेट जाना ही बनता है। अरे चार्जर की व्यवस्था ना है क्या? अरे ये रहे पोर्ट, इधर पोर्ट लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके। देखो बहुत सारे पोर्ट लगे हैं एक ही जगह पे। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अपन निकल रहे हैं अयोध्या राम भूमि जन दर्शन के लिए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अपना जो टेंट था जहाँ हम लोग रुके थे रात को आ गए थे यहाँ पर। और इसके बाद भाई व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी यहाँ पर, रुकने की सारी सब फैसिलिटी मिली थी। और अब यहाँ से निकल रहे हैं राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। तो यहाँ से कैसे क्या जाने वाले हैं वो सारी यात्रा आपको दिखाएंगे और कैसे आप भी आ सकते हैं यहाँ पर अयोध्या में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के जरिए देखने को मिल जाएगी। तो सब लोगों के बाद जय श्री राम, जय सियाराम। भाई पूरी सारे फरुखाबाद के ही हैं सब लोग। आप लोग फरुखाबाद से? पूरी फरुखाबाद से पलटन आई हुई है। तो अब भाई निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या व्यवस्थाएँ हैं और कैसा क्या माहौल देखने को मिलता है। देखो भीड़ पूरी है भाई। तो अयोध्या की सुबह में आपका स्वागत है। अब यहाँ देखिए हम लोग की जो बसें थी वो सब खड़ी हुई हैं लाइन से, जितनी भी फरुखाबाद से बसें आई हुई थी वो सारी यहाँ पर ही खड़ी हैं। और व्यू देखो भाई क्या नज़ारा है यहाँ पे देखने को, मस्त एकदम व्यू आ रहा है इधर। और अभी हम लोग इधर आए हैं सामान वगैरह रखने के लिए, ताकि बस में सामान रख दें, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। हिंदी मालूम नहीं, अकेले जा फिर भी चलता है। लेडीज जय श्री राम, जय श्री राम। हां देखो सो
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या की उसी जगह पर जहां पहले वाला ब्लॉग स्टार्ट किया था और डाला था, आप सभी को दिखाया भी था। तो अभी हम लोग हैं लता मंगेशकर चौक के पास और यहां पर अगर सुबह की वाइब दिखाते हैं आपको, देखिए भाई साहब क्या नज़ारा है। और आप भाई भक्तों की भीड़ जो है वो दुगनी हो चुकी है, दोगुनी के चौगुनी, मतलब जब हम लोग आए थे तो भाई इतनी भीड़ तो कतई थी ही नहीं। और अब बदल भी बहुत कुछ चुका है, तो क्या क्या चीज़ें बदली हैं वो सब तो आपको दिखाएंगे ही। इसी के साथ बने रहना वीडियो में एंड तक और मॉर्निंग वाइब आपको एंजॉय कराते हुए। तो जय श्री राम, अब एक अलग एनर्जी है भाई, जय श्री राम। और आज भी क्योंकि भाई सुबह की मॉर्निंग आज कुछ अलग ही हुई है, तो फिर से एक बार अपने अंदर की जिगर को जगाते हुए भाई बोलते हैं जय श्री राम। भाई बहुत उसके लिए तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं प्रभु श्री राम के, क्योंकि भाई 22 जनवरी से पहले आए थे, अब दोबारा आ चुके हैं। तो अब चलते हैं दर्शन करेंगे, आज 50 दिन भी हाँ कम ही टाइम लगा। चलो भाई अब चलते हैं, जय श्री राम। अब आया रूप प्यार प्रभु श्री राम की भक्ति में रखने का। इधर भाई सब लोग लगवाते हुए, विशाल ने भी लगवा लिया है, अब लग रहा भाई कुछ हाँ कि आए हैं अयोध्या। पिछली बार अपने लोगों ने लगवाया नहीं था है कहीं भी, सही लग रहा। जय श्री राम, पापा के भी लगा दे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के जो रास्ता जाता है सीधा उस पर, और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले उनके भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, इसीलिए सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो होते हैं हनुमानगढ़ी के। इसके बाद जो लेफ्ट साइड में यानी कि राइट साइड में जो रास्ता जाता है वो जाता है श्री राम जन्मभूमि के लिए, वहां से हम लोग आगे चलेंगे, सबसे पहले दर्शन करेंगे हनुमान जी के। और सामने यही मंदिर है। जय श्री राम। सही है भाई सुबह दर्शन कर लो, इसके बाद देखो भीड़ कितनी ज्यादा हो गई। अभी हम लोग ऊपर की साइड पे पहले पहुंचे थे, अब तो यहीं से ही लाइन स्टार्ट हुई है, देखो पूरा भरा पड़ा है गच्चा गच्च। इससे अच्छा है भाई सुबह आके जल्दी दर्शन कर सकते हो आप। तो दोस्तों दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए हनुमानगढ़ी के, अब जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि की तरफ, और यही रास्ता जाता है सीधा श्री राम जन्मभूमि की तरफ। इससे पहले आया था भाई मजा आ गया था, और ये रहे तमिलनाडु के लोग भाई। तो ये नजारा है, जय श्री राम। अब चलते हैं मिलते हैं, फोन पे ले लेते हो। अपन को चलना है इधर साइड। तो फाइनली गाइस हम लोग श्री राम जन्मभूमि की तरफ एंट्री करते हुए, और इधर देखो भाई पूरा सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग एंट्री के लिए, एंट्री पॉइंट पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। तो फाइनली गाइस वी आर इन श्री राम जन्मभूमि, क्या नज़ारा है यार, अलौकिक दृश्य। इधर साइड आपको जूते चप्पल वगैरह रखने की व्यवस्थाएं दी गई हैं, पूरा अपना जूते वगैरह रख सकते हो आप लोग आकर राम जन्मभूमि अंदर जाने से पहले।
और इसके बाद सामने जो आप देख रहे हैं वो है लॉकर सुविधा, जहाँ से आप अपने फ़ोन वगैरह पर्स और जितनी भी चीज़ें उन्हें लॉकर में रख सकते हैं। और वाइब तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ये माहौल भाई प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए जाने वाले लोगों का। सभी सामान भी जा रहा है लॉकर के अंदर, रख दो भाई। जय श्री राम भाई, दर्शन हो गए, मम्मी को भी दर्शन करा दिए और क्या ही नज़ारा था। जय श्री राम, फाइनली अयोध्या की लास्ट वीडियो। जय श्री राम गाइस, अपन निकल रहे हैं अयोध्या से वापस घर की तरफ। सुबह के 4 बजे पहुंच गए हैं घर। इसी के साथ भैया इस ब्लॉग को करेंगे एंड, हमें टागे हो रही बहुत तो दर्द।